हे गाइज, आइए आज मैं आपको हल्द्वानी की चकाचौंध नाइट ब्लॉग दिखाता हूँ। हल्द्वानी सिटी का मैं आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। यदि पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कुछ न कुछ ज़रूर कीजिएगा मेरे लिए। आइए ये देखिए हल्द्वानी की चकाचौंध। रात को 8:30 बजे दोस्तों, ये मेरा मार्ग है कालाडूंगी चौराहे से अंदर को, ये पटेल चौक आता है वहाँ पे मेरा मार्ग है। पटेल चौक मेरा मार्ग वैसे साथी एक साथी हैं, राइट हैंड को फिर नीचे को उधर को मंगल पड़ाव को काटते हैं। तो यहाँ पर बच्चे के लिए शूज ख़रीदने के लिए मैं आया हुआ था, तो मैंने सोचा आज मैं नाइट एक्सप्लोर करता हूँ हल्द्वानी सिटी को और आपको दिखाता हूँ ताकि आपको भी अच्छा लग सके। ये देखिए दोस्तों कितना मज़ा आ रहा रात में। दिन भर तो गर्मी है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, और जब शाम को सूर्य ढल जाता है उसके बाद फिर अच्छा हो जाता है मार्केट में घूमने के लिए भी। ज़्यादातर लोग सूर्य ढलने के बाद ही बाहर आते हैं। ये देखिए दोस्तों ये सामान से खचाखच मार्केट। ये मेरा मार्ग से इधर लेफ्ट हैंड को ये भसीन वाली गली है और राइट साइड को सीधे आगे उधर जाते हैं छतरी चौराई की ओर। ये देखिए दोस्तों रात का नज़ारा हल्द्वानी का कुछ ऐसा। ये देखिए बैंगल्स वगैरह और ये बर्तन। अभी थोड़ी देर में दुकानें वकानें क्लोज करने का टाइम हो जाता है दुकानदारों का यहाँ पे। ये देखिए आजकल गर्मियों के दिनों में वैसे दिन में तो बहुत कम लोग दिखाई देते हैं मार्केट में, बट शाम हो जब होती है तो उसके बाद जाके फिर सिटी में फिर पब्लिक आती है, बहुत अच्छा लगता है रात को। ये देखिए दोस्तों ये रात का नज़ारा हल्द्वानी सिटी का। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर कर ही दीजिएगा मेरे वीडियो में और कुछ न कुछ कमेंट में लिखिएगा। ये देखिए ये सब खचाखच भरी हुई दुकान है हल्द्वानी की। ये कपड़े ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये पटेल चौक से ये बेस हॉस्पिटल की ओर जाने वाली रोड है, यहाँ पे पटुए वगैरह भी बैठे रहते हैं जो माला हला चरे हो रहे हो और सब मालूम माला पिरोने का काम करते हैं। ये देखिए दोस्तों नाइट विजन ऑफ हल्द्वानी सिटी। दिन में तो यहाँ पे आने लायक नहीं रहता है। और रात को यहाँ पे ये चकाचौंध है। यहाँ पर ये तरबूज भी लिए हमने और ये देखिए ये चूड़ी उड़ी वगैरह ये मालाएं सब लेडीज का आइटम। ये खचाखच भरी हुई दुकान। ये भसीन वाली गली कहते हैं, भसीन मेडिकल स्टोर वाली। भसीन मेडिकल स्टोर ऐसा मेडिकल स्टोर है दोस्तों बहुत पहले से हल्द्वानी में, जो दवा आपको हल्द्वानी में कहीं भी नहीं मिलेगी तो वो दवा भसीन के यहाँ ज़रूर मिल जाएगी। भले आप पहाड़ से आए भले कहीं से आए, कोई भी दवा आपको नहीं मिल रही है तो भसीन मेडिकल पटेल चौक पे, तो यहाँ पे आपको हर दवा उपलब्ध हो जाएगी।
इसीलिए पहले से ही ये भसीन मेडिकल स्टोर यहाँ फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोज करने का टाइम भी होने वाला है। बाहर से जितना सामान है थोड़ा थोड़ा करके अंदर को करने लग गए हैं लोग बाग। ये देखिए ये कपड़े की दुकान है। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। जो भाई बहन यहाँ तक नहीं आ पाते किसी कारण बस दूर दराज के भी, तो उनके लिए विशेषकर ये वीडियो है मेरा। ये देखिए अल्धोनी की गलियाँ, कुछ महिलाएं भी हैं, ज़्यादातर महिलाएं निकलती हैं अभी शाम के टाइम यहाँ पे। दिन में तो आना जाना मुश्किल हो जाता है, अभी बहुत ज़्यादा रश रहता है यहाँ पे कालोडूमी चौराहे से अंदर मीरा मार्ग की ओर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। दोस्तों 8:30 से 9:30 का टाइम है रात्रि का अभी यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे अभी इस टाइम पे। अल्धोनी में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। थोड़ा गोलगप्पे वगैरह खा लीजिए और थोड़ा कहीं पर से फिर तरबूज अरबूज वगैरह ले लिए एक आध, बस घर जाके फिर गर्मी में एक आध कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके बस हो गया इसी का डिनर। आजकल तो हल्का फुल्का ही करना होता गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ पे। और ये देखिए अपना रोज़मर्रा का कार्य करते हुए ये दुकानदार लोग अब ये क्लोज करने के मूड में आ गए शायद, बाहर से सामान वामान अंदर कर रहे हैं। अभी भी शॉपिंग जारी है यहाँ पे, 10:30 बजे तक करीब मार्केट बंद हो गया यहाँ, टोटल बंद हो जाता है उसके बाद फिर लगभग। ये देखिए अल्धोनी शहर की चकाचौंध रात की। दोस्तों प्लीज कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर करने की कोशिश कृपा कीजिएगा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक के बाद एक आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूं। तो दोस्तों आपका भी एक लाइक एक कमेंट तो बनता ही है मेरे वीडियो पे। ये देखिए वापस आए हम अब थोड़ा सा कालाडूंगी चौराहे की ओर। ये मंदिर देखिए रात में अभी कालूशाही मंदिर वो दिख रहा लाल कलर का वो सामने, और ये पोलू में ऐसे लाइटिंग गोल कलर की ये कर रखी है। और ये मेन कालाडूंगी चौराहे पर लेफ्ट एंड में यहाँ पे ये कपड़े की दुकान है और एक आध दुकान क्लोज भी हो चुकी है। 9 बज चुका है रात का और धीरे धीरे हम भी मुड़ते हैं अब घर की ओर। ये कालाडूंगी चौराहे से हमने गाड़ी दबाई, आगे को आ गए हम कालाडूंगी रोड में ये ऑटो स्टैंड के पास। बहुत अच्छा लग रहा है अभी यहाँ पे, पूरा ठस्सा-ठस्सा है मार्केट। अभी देखिए गाड़ियाँ हड़ियाँ भी पूरा बहुत अच्छा रास है अभी यहाँ पे, क्योंकि दिन में तो आने लायक रहता है नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। आप दिन में आजकल अल्धोनी मार्केट में आइएगा तो आपको इक्का दुक्का ऐसे ही मिलेंगे लोग यहाँ पे मार्केट के अंदर गलियों में, कोई भी नहीं होता है। और जैसे ही शाम का सूर्य अस्त होता है उसके बाद लोग स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए
आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि आजकल आपको यहाँ पे मार्केट करना है, शॉपिंग करना है, कुछ वो करना है, तो दिन में तो बिल्कुल भी मत आइएगा। दिन में आप रुक जाइएगा और शाम को निकलिएगा 7 बजे के बाद 10 बजे तक, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए दोस्तों, कालाडूंगी चौराहे से आगे को हम आए तो ये तिवाड़ी जूस सेंटर है यहाँ पे फेमस। आगे की ओर बढ़े हम अब ये कालाडूंगी रोड पे। और आगे जाके यहाँ पे सरदार फॉल वाले करके फेमस थे पुराने जमाने से, अभी भी उनके यहाँ पे ट्रेलरिंग की दुकान है। वहीं पर एक बहुत बड़ा सा गुरुद्वारा है उनका, और वो गुरुद्वारा मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा आगे बढ़ के। लाइट वाइट लग के अभी वो फर्स्ट क्लास लगता है, बढ़िया सा एकदम। और ये हम अभी कालाडूंगी चौराहे से कटघरिया की ओर टैक्सी स्टैंड से आगे। ये देखिए दोस्तों, दूर से दिख रहा है लेफ्ट साइड में वो गुरुद्वारा, लाइट जली है, उसका गुंबद टाइप दिख रहा ऊपर से। और ये पोलू में हमारा ट्राई कलर जो है तिरंगा, उसी कलर की लाइटें लगा रखी है। मार्केट में बड़ा ही आलीशान लगता है, इससे बहुत भव्य लगता है, मार्केट में अच्छा लगता है। और ये देखिए लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा गुरुद्वारा दिख रहा, बाकी तो ये दुकानों से ढका हुआ है। ये देखिए दोस्तों कितना शानदार लग रहा है, अभी यहाँ पे चमक रहा है। ये उससे पहले दुकान है, ये देखिए गुरुद्वारा। कालाडूंगी चौराहे के पास ही है ये, यहाँ पे ऑटो स्टैंड है, बहुत प्यारा है ये गुरुद्वारा यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों क्या ज़बरदस्त लग रहा अभी रात में। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, अपने गंतव्य की ओर। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि नए हैं चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो कमेंट कीजिएगा। और यदि आप कमेंट करते आ रहे हैं वीडियोस में तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तब भी कीजिएगा, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। और यह हम मुखानी चौराहे पर पहुंचने वाले हैं दोस्तों, अब रात हो चुकी है। हल्द्वानी सिटी का ये ब्लॉग मेरा मैं एंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी आपके लिए एक और अच्छा सा ब्लॉग लेके आऊँगा। तब तक बने रहिए और देखते रहिए मेरे ब्लॉग्स वीडियोज। तब तक के लिए धन्यवाद आपका, और बाय बाय, सी यू नए ब्लॉग।